नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सारस क्रेन के बारे में। सारस क्रेन संस्कृत शब्द सरसा से बना है। सरसा जिसका अर्थ होता है बर्ड ऑफ लेक्स, यानी झील पर पाए जाने वाले पक्षी। यह पक्षी प्रतीक है सच्चे प्यार का, समर्पण का, सुंदरता का, सौभाग्य का और रिश्तों में कभी ना खत्म होने वाले विश्वास का। मानव जाति के लिए यह पक्षी एक बहुत बड़ी मिसाल है, जहाँ आज हम अपने रिश्तों में खोए हुआ प्यार और विश्वास ढूंढ रहे हैं, वहीं ये एक पक्षी हमें प्रेरणा देता है एक सफल वैवाहिक जीवन को जीने का। वैज्ञानिक इसे ग्रुइफॉर्म्स ऑर्डर में रखते हैं, ऐसे पक्षी जो क्रेन्स के जैसे दिखते हैं, और इसका साइंटिफिक नाम है एंटिगोन एंटिगोन। वैसे तो इस ऑर्डर में 14 से ज्यादा स्पीशीज हैं जो कि बड़े क्रेन्स हैं, और 145 से ज्यादा छोटे क्रेन्स पाए जाते हैं। यहाँ आप एक साथ इन सभी छोटे बड़े ग्रुइफॉर्म्स क्रेन्स को देख सकते हैं। सारस क्रेन भारत में, साउथ ईस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्टेट बर्ड भी यही खूबसूरत सारस क्रेन है। परंतु बढ़ते कृषि क्षेत्र की वजह से इनकी संख्या तेजी से घट रही है। साथ ही साथ कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से, बिजली के बढ़ते तारों के जाल से और आर्द्र भूमि की खुदाई की वजह से इनकी संख्या में भारी गिरावट आई है, और इसी वजह से IUCN की रेड लिस्ट में इसका कंजर्वेशन स्टेटस वल्नरेबल है। यानी दोस्तों, हमारा ये विशालकाय उड़ता पक्षी खतरे में है। आमतौर पर यह पक्षी दलदली भूमि, खुले मैदान, सिंचित धान के खेतों में, घास के मैदानों में, आर्द्र भूमि में पाया जाता है। खाने में सारस क्रेन ओमनिवोरस कैटेगरी में आता है, यानी यह पेड़ पौधे से मिलने वाली चीजों को और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के भोजन करता है, यानी कंद मूल, कीड़े, छोटे जीव जंतु सभी कुछ खाता है। इस पक्षी के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन कैरलॉस मिनोस ने किया था। विशेष रूप से यह पक्षी जोड़ों में पाया जाता है, लेकिन गैर प्रजनन मौसम में यह छोटे छोटे समूहों में भी पाया जाता है। सारस क्रेन दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है। इसके पंखों की लंबाई 152 से 156 सेंटीमीटर तक है, और पंखों का विंग स्पैन यानी आयत जो है वो 225 से 250 सेंटीमीटर तक है। मुख्य रूप से यह एक ग्रे रंग का लाल सिर वाला पक्षी है, जिसके गर्दन पर हल्के लाल रंग का पैच है। प्रजनन के मौसम में यह लाल रंग और भी गहरा हो जाता है। मादाएं छोटी होती हैं और हल्की होती हैं, जबकि नर पक्षी बड़े होते हैं और भारी होते हैं। यह एक सामाजिक प्राणी है जो कि इंसानी बस्तियों के आसपास पाया जाता है। इसकी गर्दन घुमावदार होती है, पैर हल्के गुलाबी होते हैं, शरीर पर ग्रे रंग के पंख होते हैं जो कि इसे उड़ने में बहुत मदद करते हैं। नर पक्षी मादा पक्षी को आकर्षित करने के लिए एक बहुत ही सुंदर नृत्य करता है, जिसे रकाश एक्ट भी कहा जाता है। दिलचस्प यह नृत्य आपको मोहित कर दे, इतनी सुंदरता से ये मादा पक्षी को आकर्षित करता है मानो कहीं से ट्रेनिंग लेकर आया हो। इनकी तेज थरार आवाज अपने आप में ही एक कानों को चुभने वाला एहसास देती है, और यदि आक्रोशित हो जाए तो ये अपनी चोंच से आपको घायल भी कर सकते हैं। इसलिए जब मादा पक्षी अपने घोंसले में हो तो उससे एक दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। लगातार घट रहे इनकी संख्या की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार व भारत सरकार और टाटा ट्रस्ट ने मिलकर इनको संरक्षण देने के लिए एक सारस क्रेन संरक्षण परियोजना चलाई हुई है, जो कि पूर्वांचल के 10 जिलों में कार्यान्वित है। सारस क्रेन संरक्षण परियोजना के तहत 2013 से इन्हें संरक्षित किया गया, जिसकी वजह से आज काफी सफलता भी मिली है और इनकी संख्या में इजाफा भी हुआ है। सारस क्रेन पक्षी केवल देखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि धार्मिक रूप से भी इनका पौराणिक ग्रंथों में जिक्र है। ये भी कहा जाता है कि रामायण लिखने की प्रेरणा वाल्मीकि जी को ऐसे ही एक प्रेम लिप्त सारस जोड़े से मिली थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार वियतनाम के कल्चर में भी सारस को दिखाया गया है,
और ये सभी पेंटिंग्स दर्शाती हैं कि किस प्रकार सारस जोड़े को हमेशा से ही धर्म, समर्पण और विश्वास का पात्र समझा गया। मेरे हिसाब से कोई और पक्षी ऐसा होगा जिसे इतनी महत्व दिया गया हो। तो दोस्तों, सारस पक्षी न सिर्फ देखने में सुंदर है, बल्कि सारस पक्षी अपने आप में बहुत सैक्रेड है, पवित्र है, और हमें इसे संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस पक्षी से रूबरू कराने के लिए। आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके सुझाव और कमेंट्स ज़रूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देख सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।